मेरा बच्चा कब्र में जाकर सो गया है सर, मेरा बच्चा मेरे से जुदा हो गया है सर, आने वाले टाइम पे ये जुल्म सहरो पहरवानी उमर एक कफन। नमस्कार दर्शक मित्रों, रमजान ईद गयाना त्रीजा दिवसे नजीवी वातमा मोहम्मद कैफ ने मौत ने घाट उतारी देवामा आव्यो। जी हां दर्शक मित्रों, अमदावाद ना जुहापुरा मा थयेल जाहेर मा 18 वर्षीय युवान नी हत्या ना आरोपियों नी गणतरी नी कलाको मा पोलीसे धरपकड़ करी लीधी छे। साथे आजे आरोपियों ने घटना स्थळे पण लई जवामा आव्यो। मृतक मोहम्मद कैफ जेनी आप तस्वीर जोई रह्या छो, शांत स्वभाव, इबादत गुजार, रमजान मासना पूरा रोजा राखनार, आवता जता विस्तार मा रहता लोकों ने सलाम करवानी टेव राखनार, एवो मोहम्मद कैफ जे आजे आ दुनिया मा नथी। फक्त भूलती हाथ लागी गयो, जे बदल माफी पण मांगी, पण आरोपीओ ए सजा मा जाहेर मा तेने मौत ने घाट उतारी दीधो। जो वात करिए मोहम्मद कैफ नी, तो मां वगर नो आ दीकरो सादगी वाळो जीवन जीवतो हतो, पोते एसी रिपेरिंग नु काम करतो अने पिता ने मदद करतो। आ घटना ने लई सरखे जुहापुरा दाणी लीमड़ा बॉम्बे होटल जेवा विस्तारों में चकचारी मची जवा पामी हती। आ बनाव ने लीधे परिवार सदमा में छे, साथे ज विस्तार ना रहेवासीओ पण मोहम्मद कैफ ने याद करी रह्या छे। मोहम्मद कैफ ना फईबाए जणाव्यु के सहरो पहेरावानी उमर हती, पण कफन पहेराव्यु। अमारा परिवार पर आसमान तूटी पड्यु छे। ओ मेरा बच्चा था, मेरा जिगर था, वो मेरा बेटा, बड़ा बेटा था, वो मेरी दुनिया थी। वो जो चंद लोगों ने मेरे बच्चे को मेरे से अलग कर दिया और दुनिया से जुदा कर दिया, वो लोगों ने, आज मैं मेरे बच्चे बिगर बेसहारा हो गया हूँ। मेरे बच्चे को चाकू घोप के, छुरियाँ मार के मेरे बच्चे को मार दिया। आज मैं मेरे बड़ा बच्चा मैं खो दिया हूँ। मेरी दुनिया चली गई है सर। मैं इंडिया गवर्नमेंट सरकार से इल्तिजा करता हूँ, मैं उनसे भीख मांगता हूँ कि जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है सर, उसका मेरे को इंसाफ दिलावे और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलावे। और वो मैं ये चाहता हूँ कि उनको ऐसी सजा दे कि आने वाले नस्ल को याद रखे कि वो दूसरा कोई गुनाह ना कर सके और कोई ऐसा गुनहगार पैदा ना हो। क्या, और मैं ये चाहता हूँ सर, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, क्योंकि मेरा लाल गया है, मेरी दुनिया गई है सर। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे बच्चे को जन्नत में जगह दे और कब्र के अजाब से बचाए। तमाम मुसलमान भाइयों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरे लिए खड़े रहकर मेरा इंसाफ मुझे दिलाए और इंडिया गवर्नमेंट सरकार से भी वो करती जा करता हूँ कि मेरा साथ दे और मेरे लिए मेरा कानून और इंसाफ मुझसे दिलावे। और मेरा बच्चा, जवान बच्चा जो अभी दुनिया में 18 साल का हुआ था, अभी 19वां साल बैठने वाला था, मैं माँ बिगर मेरे बच्चे को पाला हूँ। मेरी औरत भी नहीं है, मैं बीबी बिगर रिक्शा चलाकर मेरे बच्चे को पाला हूँ सर। आज वो बच्चे को मुझसे ही अलग कर दिया इन लोगों ने। आज मैं, मेरा बच्चा कब्र में जाकर सो गया है सर, मेरा बच्चा मेरे से जुदा हो गया है सर। मैं हर मुसलमान भाइयों से ये करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलावे और अल्लाह से दुआ करे कि आने वाले टाइम में ये जुल्म ना हो। जो आप दृश्य में जोयु हो तो मोहम्मद कैफ ने मौत ने घाट उतारनार आरोपियों की उम्र भणवा अने कैरियर प्लानिंग नीचे। અહીં ધ્યાન આપવા વાળી વાત તો આ છે કે હાલ આ જુહાપુરા, ફતેવાડી અને દાણી લીમડા જેવા વિસ્તારોમાં અવારનવાર ચાકુ, છરી જેવા હથિયાર વડે હુમલાઓની ઘટનાઓમાં વધારો થઈ રહ્યો છે। સામાન્ય જેવી બાબતમાં અસામાજિક તત્વો સામાન્ય નાગરિક પર પોતાનો અહંકાર અને ભાઈગીરી, જેવી રીતે કે પપ્પુ પેજર જેવા ફિલોસોફીના હિસાબે છરી ચાકુ વડે હુમલો કરતા હિચકતા નથી। આ વિસ્તારોમાં ઘણા કિસ્સાઓ એવા પ્રકાશમાં આવ્યા છે કે જેમાં ગ્રુપમાં મળી, એટલે કે એક મંડળી તરીકે હુમલો કરી દેવામાં આવે છે। જેમ કે આ ઘટનામાં પણ મોહમ્મદ કૈફને મોતને ઘાટ ઉતારી દેવામાં આવ્યો।
महत्वपूर्ण छे के वासणा पोलिस इंस्पेक्टर श्री एम सी चौधरी साहेब ना मार्गदर्शन हेठळ सर्वेलेंस स्क्वॉड पीएसआई एसआर मकरानी साहेब तथा पोलिस स्टाफे गणतरी नी कलाको मा आरोपी रियान अने मोहम्मद तलहा रहेठाण बरफ नी फेक्टरी नी पाछळ जेने झड़पी पाड्यो छे। सूत्रों थी मळेल जानकारी मुजब आरोपीओ मा एक आरोपी बुटलेगर नसीम बानू उर्फे नसीम आपानो भाणेज छे। दर्शक मित्रों अमदावादनी क्राइम थी जोड़ायेली खबरो जोवा माटे अमारी चेनल ने सब्सक्राइब अने फॉलो जरूरथी करजो। नमस्कार।